बॉलीवुड में तीन चीजें सबसे ज्यादा फेमस हैं, एक बॉलीवुड के रिश्ते, दूसरा शाहरुख का रोमांस और तीसरा सलमान की फिल्म। इस ईद को तो देखकर मानो यही लग रहा था कि ये ईद सलमान के ही नाम हो, और ऐसा हुआ भी। सलमान की फिल्म आने से पहले ही काफी चर्चा में थी और अब सलमान खान के सुल्तान ने तीसरे दिन ही 100 करोड़ क्लब में एंट्री ले ली है। सलमान के सुल्तान को भारत में 4500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया, जिसे ईद का दिन होने की वजह से पूरे देश में सुल्तान के सभी शो हाउसफुल रहे। पुणे के एक सिनेमा हॉल में तो सलमान के फैंस के लिए मानो दिवाली जैसा माहौल था और हर दिन फिल्म के कुल 55 शो देखे गए। सुल्तान के पहले दिन की कमाई 36 करोड़ थी, जबकि दूसरे दिन की कमाई 37 करोड़ थी। इसके बाद सुल्तान की कुल कमाई 105 करोड़ हो गई। सुल्तान इस साल की सबसे बड़ी ओपनर है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म ओपनिंग वीक में 160 करोड़ कमा सकती है। फिल्म के पास 5 दिनों का लंबा समय था। सुल्तान सलमान की दूसरी 300 करोड़ी फिल्म है। सुल्तान ने सलमान की पिछले साल रिलीज हुई फिल्म प्रेम रतन धन पायो के पहले दिन की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। सुल्तान ने आसानी से 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने के साथ ही सुल्तान सलमान की 100 करोड़ क्लब में शामिल ये 10वीं फिल्म बन जाएगी, जो एक बेहतरीन रिकॉर्ड होगा। प्रियंका बिरला, ब्यूरो रिपोर्ट्स, ए टू जेड न्यूज़।